हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बनाने सिखाऊंगी गाजर मूली और हरी मिर्ची का अचार। उसके लिए आपको एक गाजर, एक मूली और तीन हरी मिर्च चाहिए। मैंने इन्हें धोकर छीलकर चॉपिंग बोर्ड पर रख दिया है। मैं इसे काटूंगी। देखिए, आप इसको इसी तरह से हम मूली को काटेंगे। हरी मिर्ची को हम इस तरह से बीच में से कट लगाएंगे। हमने तीनों मिर्चियों को इसी तरह से बीच में से कट लगा दिया है। इसे काटने के बाद हम इसको हल्का सा एक कपड़े पर फैलाकर थोड़ा सूखने के लिए रख देंगे, जिससे इसमें जो थोड़ी नमी है वो सूख जाए और थोड़ा ड्राई हो जाए। मैंने इसे धूप लगाकर एक बाउल में इस तरह से करके रख दिया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच सौंफ, 2 चम्मच राई दाना, थोड़ी सी हींग, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा ऑयल। ये जो ऑयल है, मैंने इसको पका कर ठंडा करके एक बाउल में रख लिया है। और आधा नींबू इस तरह से निचोड़ कर रखा है। मैं इसमें मसाले इस तरह से ऐड करूंगी। मैंने इसके अंदर सभी मसाले इस तरह से मिला दिए हैं। अब इसमें मैं थोड़ी थोड़ा धीरे धीरे ऑयल यूज करती हूँ। देखिए, इसमें सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं और हमारा ऑयल भी इसमें अच्छे से हो गया है मिक्स। अब मैं इसके अंदर ये नींबू जो निचोड़ा हुआ है इसको मिक्स करके इस तरह से थोड़ा अच्छे से मिला दे रही हूँ। मैंने ये मिर्च इसी मसाले के साथ इस तरह से मिक्स कर दी है, जिससे कि जो मैंने इसके अंदर चीरा लगाया था उसमें सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं।
हमारा ये अचार मिलकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैंने एक खाली बोट लिया, उसमें हम अपने इस अचार को ढक के रख देंगे। अचार भरने के लिए हमें कांच की बोट इस्तेमाल करनी ताकि हमारा अचार अच्छे से उसमें ठीक बना रहे। देखिए ये अचार बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको इसको एक हफ्ते रखना है तो इसको फ्रिज से बाहर रख सकते हैं, और अगर आपको ये एक हफ्ते से ज़्यादा रखना है तो इसको फ्रिज के अंदर आप रख सकते हैं ताकि आपका अचार ज़्यादा दिन चल सके। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें।